चैनल। गाइस आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। एप्पल साइडर विनेगर आपने नाम तो सुना ही होगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, ये एक तरीके का विनेगर ही होता है जो कि एप्पल से बनाया जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये फर्मेंटेड एप्पल जूस होता है जिसे हम बहुत तरीक़ों से यूज़ करते हैं। जनरली लोग इसको अपने सैलड्स में, कुकिंग में या फिर चटनीज और अचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, प्लस ये ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही एप्पल साइडर विनेगर का रिव्यू लेके आई हूँ जो कि है प्योर, अनफिल्टर्ड, अनडाइल्यूटेड, अनपेस्टराइज वाओ एप्पल साइडर विनेगर। ये एप्पल साइडर विनेगर हिमालयन एप्पल से बनाया गया है जो कि फाइनेस्ट एप्पल्स होते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले आपके हेल्थ के लिए प्लस आपकी ब्यूटी के लिए। तो गाइस आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, साथ ही साथ एप्पल साइडर विनेगर को अपनी रूटीन लाइफ में आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं इसके प्रोडक्ट रिव्यू से। तो गाइज आप देख सकते हैं वाओ एप्पल साइडर विनेगर इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इस प्रोडक्ट का प्राइस होता है 899 रुपीज़ में आपको 750 ml मिलता है और इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ होती है 18 मंथ्स। ये एप्पल साइडर विनेगर एक लॉन्ग स्लीक ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है जो कि ब्लैक कैप से सिक्योर होता है। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेजरमेंट कप मिलता है जिससे आप 30 ml, 10 ml और 15 ml क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। ये एक ब्राउन कलर का एप्पल साइडर विनेगर है जिसपे एक विनेगर की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। वाओ का एप्पल साइडर विनेगर आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है। ये आपका वेट, ब्लड शुगर, हार्ट हेल्थ मैनेज करता है, डाइजेशन एंड इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, आपके हार्ट स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है, आपको एनर्जी देता है, आपके हेयर एंड स्कैल्प को नरिश करता है, आपके टीथ वाइटन करता है, आपकी बेड ब्रेथ को क्योर करता है और साथ ही साथ अगर आपके गले में दर्द है तो उसको भी क्योर करता है। वाओ एप्पल साइडर विनेगर 100% नेचुरल फर्मेंटेड एप्पल जूस है। इसको कंज्यूम करने का मेथड भी इसे मेंशन किया हुआ है। इसे कंज्यूम करने के लिए आपको 1 कप गर्म पानी में 1 टेबलस्पून एसी वाटर लेना है। इसे आपको सिप करके पीना है खाना खाने से 20 मिनट पहले। नॉन डायबिटिक पर्सन इसमें हनी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। वाओ एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ करने से पहले आपको अच्छे से बॉटल को शेक करना है, इसको सनलाइट से दूर रखना है। अगर आप मेजरमेंट कप से एप्पल साइडर विनेगर लेते हो तो आपको पानी से रिंस करके रखना है। गाइस हो सकता है इनिशियल स्टेज में जब आप पहली बार लेते हो या स्टार्टिंग डेज में लेते हो सकता है आपको एसिडिटी प्रॉब्लम हो, बट आप इसका रेगुलर यूज़ करोगे तो ये प्रॉब्लम सबसाइड हो जाती है। गाइज ये तो हो गया इसका रिव्यू। अब इस ACV वाटर को हम किस तरीके से अपने रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आपके वेट लॉस में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इसके लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको 1 कप गर्म पानी में 1 टेबलस्पून ACV वाटर लेना है और नॉन डायबिटिक पर्सन इसमें 1 टेबलस्पून हनी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। इसे आपको सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है जिससे आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ACV वाटर को हम एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं। गाइस मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ में बताया है कि ACV वाटर बहुत अच्छा होता है एज ए टोनर यूज़ करने के लिए। यह आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करते हैं, आपके रिंकल्स को प्रिवेंट करते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरीके की स्प्रे वाटर लेनी है, इसमें 3/4 फिल्टर वाटर भरना है और इसमें 1/4 ACV वाटर भरना है और उसके बाद उसको अच्छे से शेक कर लीजिए और इस तरीके से आप इसे दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं एज ए टोनर। एप्पल साइडर विनेगर आपके एक्ने की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके एक्ने और पिंपल्स हैं तो आप ACV वाटर को डेली यूज़ करिए जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म होती है। इसको यूज़ करने के लिए आपको इस तरीके की स्प्रे वाटर लेनी है जिसमें 3/4 फिल्टर वाटर भरना है और 1/4 ACV वाटर भरना है और उसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स करना है। इसकी 4-5 ड्रॉप्स लेनी है, उसको अच्छे से मिक्स करिए और अपने फेस पे डेली अप्लाई करिए जिससे आपके पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम ख़त्म होती है। अगर आप टी ट्री ऑयल मिक्स करते हो तो इससे इसी वाटर की जो स्मेल आती है वो भी सबसाइड हो जाती है। अगर आपके रिंकल्स हैं, एजिंग की प्रॉब्लम है, ब्लैक स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको इसी वाटर की फ्यू ड्रॉप्स लेनी है कॉटन पैड में और जहाँ जहाँ आपके पिगमेंटेशन हैं, रिंकल्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे अप्लाई करके छोड़ देना है। इसे कम से कम 20 मिनट तक छोड़ना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करना है।
जब आप इसी वाटर को अपने पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस, डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स पर अप्लाई करते हो तो उसे 20 मिनट्स तक के लिए छोड़िएगा। इससे ज़्यादा मत छोड़िएगा क्योंकि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए आप 20 मिनट्स तक छोड़िएगा और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा। इसी वाटर आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों के येलो नेल्स होते हैं या उन्हें फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है या नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, बार बार टूट जाते हैं, तो इसमें आप इसी वाटर यूज़ करके अपने नेल्स को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक बोल में 3/4 वाटर भरना है और उसमें इसी वाटर मिक्स करना है। अराउंड 10-15 मिनट्स अपने नेल्स डिप करने हैं। उसके बाद आपको कोकोनट ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल या फिर आप एलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अपने नेल्स में मसाज करें। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसी भी वाटर हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में शेयर भी कर चुकी हूँ कि आप इसी वाटर का यूज़ करें। गाइज, अगर आपके हेयर ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है, बेजान है, तो आप इसी वाटर का यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके की स्प्रे बॉटल में 3/4 फिल्टर वाटर भरिए और 1/4 इसी वाटर भर के इस तरीके से शेक करके अपने हेयर पे स्प्रे कर सकते हैं। इसे आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके हेयर में शाइन आती है। इसी वाटर को आप एज ए ऑयली स्कैल्प ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है अपने ऑयली स्कैल्प से। आज हेड वॉश किया, नेक्स्ट डे फिर आपके हेयर ऑयली हो गए, तो आप इसी वाटर का यूज़ कर सकते हो और अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो इसके लिए आपको आफ्टर शैम्पू एक बोल में 3/4 वाटर पानी लेना है और 1/4 वाटर आपको एसी वाटर मिक्स करना है। उसके बाद आपको इससे रिंस करना है। जब आप इससे रिंस करें तो 5 मिनट्स तक के लिए छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इससे आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस बना रहता है और स्कैल्प की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर होती हैं और साथ ही साथ आपके हेयर में स्ट्रेंथ आती है और शाइन आती है। इसी वाटर को आप एज ए डैंड्रफ ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है अपनी डैंड्रफ से। आज हेड वॉश किया, नेक्स्ट डे फिर से डैंड्रफ वापस आ गई, तो आप इसी वाटर का यूज़ कर सकते हो और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। इसके लिए आपको वही करना है कि आपको 3/4 वाटर में 1/4 एसी वाटर मिक्स करना है और इस सॉल्यूशन से अपने हेयर को रिंस करना है बिफोर शैम्पू। इस सॉल्यूशन से अपने हेयर को रिंस करिए और कम से कम 10 मिनट तक इस सॉल्यूशन को अपने हेयर में रहने दीजिए और फिर नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। ये प्रोसेस आपको कम से कम हफ्ते में 2-3 बार करना है, जिससे आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। इसके अलावा अगर आपके स्किन में सनबर्न की प्रॉब्लम है या आपकी स्किन बहुत ड्राई है, डेड स्किन बहुत ज़्यादा है या आपको बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, तो आप एसी वाटर का यूज़ कर सकते हो और इन प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हो। इसके लिए आपको बाथ टब के पानी में थोड़ा सा एसी वाटर मिक्स करना है और इसमें कम से कम 20 मिनट तक आपको बैठना है और उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर होती है। सो गाइस, ये था वाओ एप्पल साइडर विनेगर का रिव्यू और एप्पल साइडर विनेगर को हम अपने रूटीन लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे स्किन, हेयर एंड हेल्थ को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी, आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से खरीद सकते हैं। गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।